सोनू के टीटू के किस सितारे को आदि पुरुष में देखा जाएगा, कैसा था इनका फिल्मी करियर। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। सनी सिंह एक भारतीय टीवी कलाकार फिल्म अभिनेता हैं। उन्हें हिंदी सिनेमा में फिल्म प्यार का पंचनामा जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। सनी सिंह ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म इंग्लिश बाबू देसी में से की थी। उसके बाद छोटे पर्दे पर अपनी एक्टिंग से तहलका मचाया। उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान लव रंजन निर्देशित फिल्म आकाशवाणी से मिली थी। वह हाल ही में चर्चा है कि जल्दी एक बार फिर से सनी को बड़े पर्दे पर देखा जाने वाला है। इस फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जी हाँ, ये साल की आने वाली सबसे महंगी फिल्म है। इस फिल्म को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया जाएगा। बॉलीवुड में इन दिनों एक के बाद एक कई फिल्मों की रिलीज का सिलसिला जारी है। कोरोना के मामले थमने के बाद पहले से अटकी हुई फिल्मों की नई रिलीज डेट सामने आना शुरू हो गई है और अब आखिरकार इसी क्रम में साउथ अभिनेता प्रभास स्टारर फिल्म आदि पुरुष की रिलीज डेट के लिए भी फैंस का इंतजार अब खत्म हो चुका है। अगर आदि पुरुष की कहानी की बात करें तो ये फिल्म हिंदू महाकाव्य रामायण पर आधारित है। इस फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। इनमें साउथ सुपरस्टार प्रभास भगवान श्री राम की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान लंकापति नरेश रावण का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। आदि पुरुष में एक्ट्रेस कीर्ति सेनन भी पहली बार पौराणिक किरदार निभाते हुए दिखाई देंगी। इसका निर्देशन ओम राउत द्वारा किया जा रहा है। आदि पुरुष का निर्माण भूषण कुमार की कंपनी टी सीरीज द्वारा किया गया है। ये फिल्म प्रभास की अब तक की सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म होगी। इनकी रिलीज डेट सामने आ चुकी है, ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी। ऐसे में दर्शकों को अभी इस फिल्म के लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप प्रभास की आने वाली इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं? तो अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।